हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शेयर कर देना। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सप्लीमेंट हमारे पास आते हैं, भले ही हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हो या किसी स्टोर से परचेज कर रहे हो, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो सप्लीमेंट्स फेक है या वो सप्लीमेंट ओरिजिनल है। तो आपको आज कुछ ऐसी ही ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको लगभग ये पता चल जाएगा कि आपका सप्लीमेंट फेक है या ओरिजिनल है। तो दोस्तों सप्लीमेंट या तो आप ऑनलाइन मंगवाते हो या फिर ऑफलाइन किसी स्टोर से परचेज करते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चीज चाहिए ओरिजिनल। तो हम उस चीज को कैसे चेक करेंगे, तो अब आपको बता देता हूं। दोस्तों जो मैक्सिमम इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये मेरे पास जैसे मसल फार्मा है, मसल फार्मा इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स है। तो पहले तो देखिए दोस्तों डब्बे की बिल्ट क्वालिटी कैसी है, आपको पता चल जाएगा कि डब्बे की बिल्ट क्वालिटी की कोई भी अच्छी ब्रांड अपने जो बिल्ट क्वालिटी है उसके ऊपर खास ध्यान देती है, तो उनकी बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, नंबर वन। दूसरी चीज दोस्तों आपने ध्यान देना है इंपोर्टर टैग। दोस्तों ये देखो इस पे एक इंपोर्टर टैग है, इस पे लिखा हुआ है श्री बालाजी ओवरसीज। तो मतलब श्री बालाजी ओवरसीज जो है, फिर हमने इंटरनेट पे चेक करना है कि क्या मसल फार्मा, जो मसल फार्मा है, क्या बालाजी ओवरसीज उसको इंपोर्ट करता है, क्या ये मसल फार्मा का ऑफिशियल इंपोर्टर है। ऐसा भी हो सकता है ना कि बालाजी ओवरसीज है वो तो मसल फार्मा इंपोर्ट ही ना करता हो और किसी ने इस पे फर्जी लेबल लगा के चिपका के दे दिया हो। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है कि जिस कंपनी को आप चेक कर रहे हो उसका ऑफिशियल इंपोर्टर कौन है। इंपोर्टर कौन होता है दोस्तों, बाहर से जो कंपनी, जो भी मसल फार्मा बाहर की कंपनी, यूएस की कंपनी है, तो ये किसी को ऑथराइज कर देती है कि भाई ये बंदा यहाँ पे ऑफिशियली हमारा इंपोर्टर है, यही बंदा हमारे सप्लीमेंट्स को इंपोर्ट कर सकता है। फिर बाकी जो स्टोर वाले हो गए, कोई भी हो गया, वो इससे लेंगे यहाँ से, वो हमसे वहाँ यूएस में आके सामान नहीं लेंगे, वो हमारे इंपोर्टर से, जो उनका ऑफिशियल इंपोर्टर ऑथराइज इंपोर्टर उन्होंने किया हुआ है, तो ये यहाँ से सामान लेंगे, तो वो हो गया उनका इंपोर्टर ऑफिशियली। तो वो चीज़ आपने चेक करनी है कि क्या वो उसका ऑफिशियल इंपोर्टर है या नहीं है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चल गई। तीसरी चीज़ आपको देखो एक बारकोड मिलता है हर एक कंपनी का, तो आपको बारकोड देखना है, बारकोड से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो बारकोड स्कैन करके आपने चेक करने ला है वो वहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, तीन चीज़ होगी। फोर्थ चीज़ आपको एक स्टिकर, जो ये कंपनी डब्बे के लेबल पे कोई भी स्टिकर होता है, लगभग जो फेक माफिया होते हैं वो कोशिश तो यही करते हैं कि लगभग पूरा सेम एकदम चिपका दें उस पर जैसा होता है, बट कहीं ना कहीं वो गलती छोड़ ही देते हैं छोटी मोटी चीज़ों में। तो आपको क्या करना है, इंटरनेट पे एक बार जो उसकी ओरिजिनल जो जो स्टिकर होता है, जो पोस्टर होता है उस कंपनी का, वो भी निकाल के साथ में रखना है और उसको एक बार चेक करना है धीरे धीरे कि यहाँ पे भाई क्या क्या इस पे दिया गया है, कैसे कैसे ओरिजिनल पे इस पे क्या क्या है, ठीक है। पूरे एक एक लाइन, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आपको वो चीज़ चेक करनी है, वहाँ से आपको एश्योरिटी हो जाएगी, पता चल जाएगा आपको कि वहाँ पे आपको क्या मिला है। कई बार आपको क्या मिलेगा कि स्टिकर उन लोगों ने चिपका दिया होगा, कहीं से स्टिकर आपको फट रहा है, कहीं से स्टिकर को ऐसे आपको पता चल जाएगा कि स्टिकर को जबरदस्ती चिपका रखा है। जो कंपनी की फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको, वो सालों साल प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, आप खा के इसमें आटा भी डाल लोगे, दाल चावल रख लोगे प्रोटीन खाने के बाद, इसका ये लेबल नहीं फटेगा जब तक आप नहीं फाड़ोगे, क्योंकि ये फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है कंपनी की। तो उन जो आपको फेक मिलेगा प्रोडक्ट उसमें क्या रहेगा, उसकी ओटो में पहले ही उखड़ने लग जाएगी, प्रोडक्ट आपके पास आया नहीं है पहले ही उखड़ रही होगी, उसको टेप लगा के चिपकाया होगा, उसको गोंद लगा के चिपकाया होगा, मतलब ऐसी अर्जी फर्जी कुछ भी मिल जाएगा आपको, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा आपको सील मिलेगी दोस्तों इसके ऊपर, बढ़िया वाली अच्छी वाली सील मिलेगी, और इसके बाद जब इसको हम ओपन भी करते हैं तो वहाँ भी आपको मैक्सिमम कंपनी की ही सील मिलेगी, ओन का प्रोडक्ट है तो ओन की सील मिलेगी ऑफिशियल आपको इसके अंदर, डब्बा खोलने के बाद बाहर भी और अंदर भी, हर कंपनी अपनी लगभग सील देती है तो सबकी सील मिलेगी। जो फेक प्रोडक्ट है उसमें मैक्सिमम आपको चांस है कि उसमें कुछ भी स्टील बर्ड, ये बर्ड और भी कुछ भी, मतलब किसी भी नाम की सील लगा के आपको चिपका के दे देंगे। जो बिगिनर है उनको पता नहीं चलेगा, जो ठीक ठाक है उनको आइडिया लग जाता है इन चीज़ों का। अब देखो चार पांच छह चीजें मैंने आपको बता दी, अब और चीजें बताता हूं आपको, और भी यहां पे आपको क्या मिलेगा, जैसे ये बॉक्स हो गया इसका, इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है इसका कलर से आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा ओरिजिनल में उसमें ना डिफरेंस रहता है कलर में, फेडेड, क्योंकि वो कलर प्रिंट होता है,
वो ओरिजिनल उस कंपनी की का स्टिकर नहीं होता, वो प्रिंट कलर प्रिंट होता है, बस एक कंप्यूटर में उन्होंने सेम डाटा छापा और प्रिंट करके इस पे चिपका दिया और आप अंदर जो भी भरना था आटा पाटा जो भी भर के इसमें बेच दिया, ठीक है। तो इसके स्टिकर से भी आपके कलर से पता चल जाएगा कि ये चीज आपको ओरिजिनल मिल रही है कि नहीं मिल रही, किसी भी इंपोर्टेंट ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग पहले। दूसरी इसकी एक चीज क्या मिलेगी, जैसे इसने स्टिकर्स पे कोई भी चीज, जो भी चीजें लाइनें मेंशन की हुई है, बारकोड दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको उस कलर के अंदर एक दूसरा कलर दिखाई देगा। ये भी मैंने किया है, ये भी ऐसे भी मैंने पहचाना है, तो उस कलर के अंदर आपको दूसरा कलर दिखाई देगा। तो आप समझ, क्योंकि कंपनी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, उसमें आपको जो चीज दे दी वो दे दी, बहुत अच्छे से लिख के बहुत अच्छे से प्रिंट करके देगा वो, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको दूसरा कलर दिखाई देगा, कहीं से शाही निकल रही है, ब्लैक ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इसके पीछे आपको येल्लो दिख रहा है, तो ये सारी चीजें नोट करेंगी कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको लास्ट चीज क्या बताता हूँ कि उनके लेबल पे कई बार ऐसा रहता है कि लेबल तो प्रॉपर उन्होंने ओन का लगा दिया ये वो सारी, और गलती से क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया भैया 50 सर्विंग, यहाँ पे लिख दिया जो इस पे है वो यहाँ पे रह गया उनके 45 सर्विंग, क्योंकि आजकल डिब्बे की पैकिंग अलग अलग हो जा रही है, कई बार ना शेप चेंज करती जाती है कंपनी, कई बार कर देती है, जैसे मसल टेक ने कर दी, ओन ने कर दी, कई लोग कर देते हैं, तो वो गलती से स्टिकर पुराना चिपका देते हैं कि भाई ये सर्विंग यहाँ पे लिखी हुई है 55, यहाँ पे 45, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये तरीके हो गए आपको पहचानने के, ठीक है, तो अब रख देते हैं। दूसरा, अगर इंडियन कंपनी में भी आप जा रहे हो तो उसमें भी आपको लगभग ये चीज़ें मिल ही जाती हैं, बट इंडियन में थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं फेक के, बट इंडिया में भी अभी फेक माफिया ने क्या कर दिया कि जो इंडियन कंपनी भी अच्छी जो मार्केट में अपना पहचान बना रही है उसको वो लोग क्या करते हैं कि उसके ही फेक प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो इससे बचने के कुछ ही तरीके हैं, या तो आप उस कंपनी की ओरिजिनल साइट से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से चांसेज हैं। दूसरा इसका एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल अपने नोन से परचेज करें, जिसको आप एकदम खुला डब्बा भी मुंह पे फेंक सकें भाई ये ओरिजिनल नहीं है, और कहीं से आप मंगवा भी रहे हो गलती से चुपचाप, आप थोड़े शाय हो, बिना बताए किसी से मंगवा भी लिया आपने, तो उसको कम से कम किसी एक एक्सपीरियंस बंदे से चेक करवा लें कि भाई ये चीज़ मैंने मंगवाई है, इतने की मंगवाई है, तो ये चीज़ कैसी है। तो मेरे भाई थोड़े से आपको जो फेक सप्लीमेंट्स है ना, जो वो रहेंगे, तो उनका पता चल जाएगा आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तो हेल्थ का इशू है, कोई भी चीज़ गलत चीज़ मत खाओ। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ जो रहेगी आपको मैक्सिमम डब्बों पे जो रहेगी ना, जो एक्सपायरी डेट आपका बैच मार्क, बैच नंबर कंपनी का हर चीज़ रहती है, सब कुछ काफ़ी सारे डिब्बों में तो डिब्बे के अंदर ही गुदी हुई होती है, और कई बार डिब्बों पे अंदर नहीं गुदी हुई होती, जो तो उनकी स्टैंप है ना, वो स्टैंप ऐसी होती है कि वो भी नहीं मिटती कभी भी, अगर आप उसको मिटाने की कोशिश करोगे तो वो स्टैंप नहीं मिटेगी आपसे, ठीक है, बट जो फेक रहेगा उसमें कुछ भी अलतू फालतू ऐसे ही मार के आपको दे देंगे और लो भाई। तो यहाँ से आपको सारा पता चल गया कि कैसे फेक और ओरिजिनल में आपको डिफरेंस पता करना है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, यही बताना चाहता था, ये बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स के साथ धोखा हो रहा है, और फेक माफिया की तो आपको पता ही है भाई, मतलब दुनिया भर के इन्होंने अपने स्टोर बना लिए हैं, दुनिया भर का हर चीज़ का इन्होंने, और प्रॉपर नॉर्मल आदमी नहीं पहचान सकता, नॉर्मल आदमी पहचान ही नहीं पाएगा, सेम डब्बा सेम लेबल सब कुछ मिला के, जिस आदमी ने प्रोटीन लिया ही नहीं, जिसने डब्बा देखा ही नहीं है पहले, उसको तो ये लगेगा कि भाई ऐसे ही डब्बे में प्रोटीन आता होगा ना, तो वो उसको खा जाएगा, वो तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि भाई मैंने पैसे दे दिए तो मेरे को तो सही चीज़ ही मिलेगी, तो वो उस चीज़ को वहाँ से खरीदेगा और खा जाएगा। पर हेल्थ का इशू है मेरे भाई, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि गलत चीज़ मत खाओ, पैसे वेस्ट करो, बहुत मेहनत की कमाई है, सही चीज़ पे वेस्ट करो, थोड़े से सस्ते के चक्कर में अपने सारे पैसे और सारे हेल्थ खराब कर लोगे, सब कुछ वेस्ट कर लोगे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है कि वो ओरिजिनल है या फेक है, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक बहुत बड़ी इंपोर्टेड ब्रांड का एक प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, और आपके सामने जो ये तरीके मैंने बताए आपको चेक करने के, वो सारे तरीके इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट्स पे यूज़ करेंगे, और आपको खुद पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट फेक है या वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो तब तक के लिए अपने भाई के साथ बने रहे, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, बुल फिटनेस ऑफिशियल सेम नाम से अकाउंट है, थोड़ा सा सपोर्ट करो। कोई भी क्वारी है, कोई भी मैसेज है, किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए और भी कोई क्वेश्चन, आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपका भाई वहाँ पे आपको रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि लाइव डेमो देने वाला हूँ एक बहुत बड़ी ब्रांड का,
तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। और शेयर करो, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इतनी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा इतनी खोल के कि क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है, अब सबको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, लव यू।